हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बॉली पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम आपको एक इंतहाई अफसोसनाक खबर से आगाह करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि देवा गुर्जर को बाबूलाल ने बेदर्दी से कत्ल कर दिया था, तो उसके बाद आज उनके भाई रॉकी गुर्जर के हवाले से एक इंतहाई अफसोसनाक खबर सुनने को मिल गई है। तो खबर की तमाम तफसीलात से आपको इस वीडियो में आगाह किया जाएगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। और हमारी आपसे छोटी सी विनती है कि ऐसी मजीद लेटेस्ट न्यूज और अपडेट्स के लिए यूट्यूब के इस मुनफरिद चैनल बॉली पॉइंट को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि बॉलीवुड से रिलेटेड कोई भी न्यूज आपसे मिस ना हो पाए। तो जी हाँ, आपको आगाह कर दें कि देवा गुर्जर के भाई रॉकी गुर्जर के हवाले से एक इंतहाई अफसोसनाक खबर सुनने को मिल गई है, जिसमें बताया जा रहा है कि देवा गुर्जर के भाई रॉकी गुर्जर पर 10 लोगों ने हमला किया और उनको मौका पर ही कत्ल कर दिया। जी हाँ, उनके निधन की खबरें लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। ये खबर देवा गुर्जर के फैन के लिए काफी ज्यादा अफसोसनाक साबित हुई। ऐसे लग रहा है जैसे उन पर कयामत टूट पड़ी हो। ये खबर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि देवा गुर्जर के भाई रॉकी गुर्जर को भी बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया है। वेल, आपका इस खबर के हवाले से क्या कहना है, हमें अपनी राय से कमेंट सेशन में लाजमी आगाह करें और हमारी इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर लाजमी करें, ताकि आए दिन हम आपको नित नई बॉलीवुड न्यूज से आगाह करते रहें। शुक्रिया।